fish market. And as you can see, clothes, food. Let's go. I'm going to buy some socks. Let's see. अब इनमें से कुछ लूँगा पहनने के लिए, क्योंकि ठंड अभी है, बढ़ी जा रही है और मुझे सर्दियों के लिए कुछ चाहिए। तो ये देखिए सारा जी, यहाँ पे मैं जा रहा था और यहाँ पे मिट्टी इतनी है बारिश की वजह से कि यहाँ से बहुत अजीब सा फील हो रहा है। और अब आगे चलते हैं। तो ये आगे जी चीज़, यहाँ पे जराबे लेने, मोजे जिसका कहते हैं जी सारे, ऑलिव करें होने के लिए, अंडे, वेजिटेबल्स। लोगों की ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्रेश ही होती हैं। चीज़ दिखाते हैं, केले, ये बिल्कुल सही केले के जी, टर्किश ऑरेंज और अनार। ये सेब देखिए, यहाँ के सेब बहुत अच्छे थे। अब रात हो चुकी है, जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये लोग सुबह से आए होते हैं। मैंने देखा है, मैंने एक बार सुबह आया था और यहाँ पे रश इतना नहीं था। रात के वक्त जब ये लोग जा रहे होते हैं तब बहुत ज़्यादा रश होता है। तो सिंपल है, हमने सिर्फ मोजे लेने हैं और बहनों के लिए कैचर वगैरह लेने हैं, तो सिर्फ वही लेना है और वो आगे है। तो आगे चल के देखते हैं। वैसे एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये टर्किश लोगों की स्पेशलिटी है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ है। ये आपको बेसन लग रहा होगा लेकिन ये मकई काट। मेरी आवाज़ से इतना नहीं आ रही होगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जब हमने अपने जूते ले लिए हैं, सॉक्स नहीं लेनी थी, जूते लेने थे विंटर में पहनने वाले, और मुझे बड़े अच्छे लगे। और अब हम आए हैं यहाँ पर, उससे ही मतलब पॉपेट मेरे पास भी है, ये ऐसा वाला, तो ये सारे टॉयज हैं ये वाले, तो अच्छी क्वालिटी भी वाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन ट्रक, ये पीजे मास्क, ये सारे टॉयज देखे, क्वालिटी कितनी अच्छी है, आप ये देखिए वाइज टॉयज। अब वो पॉपिट के सारे वो हैं, वीडियो की एंडिंग करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।